ईद उल जुहा के मौके पर सांगनेरी गेट ईदगाह में नमाज अता कर अमन चैन की कामना की। ईदगाह पर पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, महासचिव महेश सोनी, अतिरिक्त कलेक्टर एसटीएम ओम प्रभा, उप पुलिस अधीक्षक राहुल जोशी आदि ने ईद की बधाई दी। नमाज के बाद सर्किल पर सांगनेर के सलाम की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे रिहा करने की मांग को लेकर कुछ लोगों ने पोस्टर दिखाए। ईदगाह के साथ ही सांगनेर, जवाहर नगर व अन्य मस्जिदों के बाहर इस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। उधर रविवार सुबह मुस्लिम नए नए रंग बिरंगी पोशाकों में ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह व मस्जिदों में पहुंचे। जामा मस्जिद, जवाहर नगर, सांगानेरपुर, गांधीनगर मस्जिद में ईद उल जुहा की नमाज अदा की। ईद की नमाज से पहले आलिमों ने तकरीर कर इंसान को सही रास्ते पर चलने का आह्वान किया। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद गले मिलकर दी। इसके बाद घर घर में कुर्बानी की दावत दी जाएगी। ऐसी दावत 3 दिन तक चलेगी। ईद को लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार चौकसी बनाए हुए है। बहुत सारे अच्छे इंतजाम हैं आपके लिए, बहुत सारी तैयारियाँ बहुत परफेक्ट हैं आप लोगों की। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को। हमारे हमेशा इस तरह इंतजाम की उम्मीद आप सब लोगों से।